नमस्कार, आप देख रहे हैं दिशक न्यूज़। 10 मार्च 2022 को आज शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ा आदेश आया है। क्या है वो आदेश, मैं आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताऊंगा। और साथ ही एक अपील है, विनम्र अपील कह सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, यूपी में दोबारा सरकार बनने पर हार्दिक बधाई। अब सरकार अनुदेशक शिक्षकों का नियमितीकरण करे। अनुदेशक न्यूज़, अनुदेशकों को 1 अप्रैल से नई शिक्षा नीति के तहत समान कार्य और समान वेतन मिलना चाहिए। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है यूपी सरकार से और केंद्र सरकार से, जो कि नई शिक्षा नीति 1 अप्रैल से लागू होगी, उसमें हमारा भविष्य निश्चित किया जाए, विनम्र अपील के साथ। साथियों, यहाँ पर शुरू करते हैं समाचार इस महान संदेश के साथ। जो कमज़ोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं, जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर भी उगते हैं। साथियों, पत्थरों को चीरते हुए ये एक पेड़ की कहानी है। कहीं मैंने देखा था कि एक पेड़, फलदार पेड़, पत्थरों को चीर कर निकला और उस पर फल भी थे। कहने का तात्पर्य है, शिक्षक करो, संगठित करो और संघर्ष करो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। जो पुरुषार्थी होते हैं वो कभी निराश नहीं होते हैं। तो साथियों, यहाँ पर ये आदेश आया है शिक्षा विभाग से। प्रेषक आरपी सिंह, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में सचिव वैसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, वैसिक शिक्षा अनुभाग 5, लखनऊ, दिनांक 10 मार्च 2022। विषय है उत्तर प्रदेश वैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय ऑब्लिक मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा आयोजित कराने के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या वैसिक शिक्षा परिषद ऑब्लिक 34984-89/2021-22 दिनांक 8/3/2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 हेतु शैक्षिक सत्र 2021-22 में वार्षिक परीक्षा आयोजित कराने जाने तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में यथा आवश्यक प्रबंध समिति अधिकृत होगी के संबंध में शासन से निर्देश मांगे जाने का अनुरोध किया गया है। वार्षिक परीक्षा आयोजित कराए जाने हेतु पूर्ण किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर निम्न समय सारिणी के अनुसार कराए जाने के लिए प्रस्तावित उपलब्ध कराया गया है। नंबर 1, जनपद द्वारा समय सारिणी एवं निर्देश का परीक्षण 11/3/2022 जनपद स्तर पर कक्षा 1 से 5 व कक्षा 6 से 8 तक के प्रश्न पत्रों का निर्माण 13/3/2022 जनपद स्तर पर प्रश्न पत्रों का मुद्रण 16/3/2022 खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रश्न पत्रों का विद्यालय स्तर पर वितरण 21/3/2022 वार्षिक गृह परीक्षाओं का आयोजन 22/3/2022 से 27/3/2022 मूल्यांकन कार्य एवं परीक्षा फल तैयार करना 28/3/2022 से 30/3/2022 तक परीक्षा फल की घोषणा एवं प्रगति रिपोर्ट का वितरण 31/3/2022। इस संदर्भ में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 हेतु शैक्षिक सत्र 2021-22 में वार्षिक परीक्षा आयोजित कराए जाने तथा मान्यता प्राप्त विद्यालय में यथा आवश्यक प्रबंध समिति अधिकृत होगी के संबंध में अनुमति गृह प्रदान की जाती है। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्रवाई कराने का कष्ट करें। भवतीय आगे से सत्प्रकाश अनु सचिव। तो ये थी साथियों आज की वैसिक शिक्षा विभाग की अपडेट। और इसी के साथ भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका एवं मराठी कवित्री सावित्रीबाई फुले जी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि 10 मार्च की। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ।
तब तक लिए अपना ख्याल रखिए, कोविड नियमों का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।